अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुईन खान ने किया है। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है, इसी प्रकार का कृत्य किया है। अभी आप देख रहे होंगे भदोही में भी इनका एक विधायक, भदोही का कारनामा भी इनका देखिए, हरदोई में भी एक अधिवक्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। एक बालिका के साथ अलीगढ़ में मऊ के अंदर भी इनका एक नेता इस प्रकार के दरिंदगी की में शामिल पाया गया, और इनका एक विधायक पूर्व विधायक पूर्व बन चुका है, उसके द्वारा भी कानपुर में इसी प्रकार के कृत्य किए जाते थे। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा, और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में जिसके ये पात्र है।